दोस्तों, महाभारत का युद्ध हुए यूं तो बरसों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों में इसके प्रति जिज्ञासा है। आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जो उस युद्ध को लेकर उजागर हो रहे हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और इस युद्ध में 18 संख्या का बड़ा महत्व है। महाभारत में अधिकतर घटनाओं का संबंध 18 से है। आइए जानते हैं आखिर 18 संख्या का महाभारत में क्या रहस्य है। 18 दिनों तक चला महाभारत। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसमें लाखों योद्धा मारे गए। कुरुक्षेत्र में करोड़ों योद्धाओं ने धर्म और अधर्म के नाम पर युद्ध में भाग लिया और अपनी जान गंवा दी। श्री कृष्ण ने इस युद्ध से पहले अर्जुन से कहा था कि इन योद्धाओं को गौर से देख लो, ये इस युग के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा हैं। 18 दिन बाद इस भीषण युग का समापन हुआ। पांडव कौरवों के पास थी 18 अक्षौहिणी सेना। कौरव और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में हाथी, रथ, घुड़सवार तथा सिपाही की सेना निम्न प्रकार से होती है। हाथी 21,870, रथ 21,870, घुड़सवार 65,610, पैदल सिपाही 1,09,350। इसमें चारों अंगों के 2,18,700 सैनिक बराबर बराबर बटे हुए होते हैं। प्रत्येक इकाई का एक प्रमुख होता था। महाभारत के 18 पर्व। ऋषि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और आश्रमवासिक पर्व। बता दें, ऋषि वेदव्यास ने 18 पुराण भी रचे हैं। गीता के उपदेश में 18 अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे कुल 18 दिन तक गीता का ज्ञान दिया था। गीता में भी 18 अध्याय हैं। गीता में से समस्त विश्व को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। युद्ध के 18 सूत्रधार। महाभारत युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 ही थे, जिनमें नाम इस प्रकार हैं: श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और विदुर। युद्ध में 18 ही बचे थे जिंदा लोग। 18 की संख्या का अंतिम आश्चर्य है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के तरफ से 15 और कौरवों की तरफ से 3 योद्धा यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब इसके पीछे सवाल यह उठता है कि यह महज एक संयोग था या फिर इस 18 संख्या में कुछ गहरा रहस्य छिपा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 18 का महाभारत से क्या संबंध होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।